एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये समय दिए कि हम सभी लोग एक बार फिर से उनसे बातें करें प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने एक यीशु मसीह के किए हुए ही चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह एरियो से निकल करके जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां एक या चाहे बड़ी से बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। इसी तरह जब यीशु मसीह एरियो से निकल करके जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह एरियो से निकल करके जा रहे थे उसी रास्ते में उसी सड़क के किनारे दो अंधे व्यक्ति बैठे थे और ये दोनों अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और रोज दिन प्रतिदिन सुनते थे कि यीशु नाम के एक व्यक्ति है और ये बड़े से बड़े चमत्कार किए जा रहे हैं। यह सुनकर इन दोनों अंधे व्यक्ति के अंदर विश्वास जागृत हुआ और ये लोग सोचते थे कि काश मैं भी उस प्रभु यीशु मसीह से मिलता। और इसी बीच में यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे थे। जब ये दोनों अंधे व्यक्ति सुने कि इसी रास्ते से यीशु मसीह जा रहे हैं तो इनके अंदर जो विश्वास था और दोगुना हुआ और यह सुनकर के कि यीशु जा रहे हैं तो ये लोग दोनों खुशी के मारे और विश्वास के साथ खड़े होकर के यीशु मसीह की ओर पुकारने लगे और कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। ये लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि यीशु मसीह कुछ दूर तक पहुंच गए थे। ये लोग चाहते थे कि इन सारे भीड़ों में से प्रभु यीशु मसीह हमारे आवाजों को सुने और सुन करके मुझे भी चंगा कर दे। इसीलिए ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। लेकिन जब ये लोग चिल्ला रहे थे तो उन्हीं भीड़ों में से कुछ लोग इन लोगों को डांटने लगे और कहने लगे, क्यों चिल्ला रहा है, इतना जोर से क्यों पुकार रहा है, क्योंकि गुरु ने तो बहुत दूर चले गए हैं और वे तुम्हारे बातों को नहीं सुनेंगे। क्यों गुरु को डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों गुरु को तंग कर रहा है, क्यों प्रभु को तंग कर रहा है। लेकिन तब पर भी ये दोनों के दोनों चुप न रहे बल्कि और जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। इनके विश्वासों को देख करके प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और होने के बाद अपने लोगों को कहे कि उन दोनों व्यक्ति को मेरे पास लाओ। जब इनके लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग उन दोनों अंधे व्यक्ति को प्रभु के पास लाए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछे कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यानी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। लेकिन उन दोनों अंधे व्यक्ति ने दोनों एक साथ मिलकर के कहे, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ, हम लोग देखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वासों को देखकर के उनके ऊपर तरस खाए और तरस खाने के बाद उनके आंखों को छुए और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे चलने लगे। मेरे प्यारे, जब हम इस वचनों को सुने यहाँ पर इन दोनों अंधे व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास था
और ये बहुत बड़े विश्वास के कारण यीशु मसीह से पुकारने लगे थे, चिल्ला रहे थे, यानी कि प्रार्थना कर रहे थे। और ये प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह से कहे, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, क्योंकि हम सभी लोग, हम दोनों के दोनों देखना चाहते हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर ये दोनों के अंदर इतना बड़ा विश्वास था और विश्वास के कारण ये लोग प्रभु यीशु मसीह को से प्रार्थना कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो मेरे प्यारों, इसी तरह से हमें भी दिन प्रतिदिन अपने प्रभु यीशु मसीह से कहे और दिन प्रतिदिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और पुकारे और कहे अपने सारे दिक्कत, अपने सारे प्रॉब्लम, अपने सारे परेशानी प्रभु से कहे और चिल्लाए और चिल्ला करके प्रार्थना करें। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब हम पढ़ते हैं यमरिया 33:3, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब देखते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है, दिन प्रतिदिन तू हमसे प्रार्थना कर, दिन प्रतिदिन हमें पुकार, दिन प्रतिदिन क्या रात क्या दिन हमेशा अपने समयों को निकाल करके मुझसे पुकार और मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरे बातों की ओर मन लगाओगे, तब जाकर के मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाहट, तब जाकर के मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा और सुन करके उत्तर दूंगा। यहाँ पर साफ तौर पर यमरिया 33:3 में परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो क्यों नहीं हम भी परमेश्वर से पुकारे, क्यों नहीं हम भी परमेश्वर को दिल से पुकारे, क्यों ना हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे अपने सारे बातों को रखे उनके सामने, उनके चरणों में और कहे, हे मेरे बल, हे मेरे यहोवा, हे मेरे शरण स्थान परमेश्वर, तू ही हमारा सब कुछ है। एक बार फिर से हम सभी लोग आपके पास आते हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और कुछ पल अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे समझ के साथ समझ बूझ करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और सारे बातों को अपने परमेश्वर के सामने रखें। जो कुछ भी आपके जीवन में कमी है, जो कुछ भी आपके जीवन में परेशानी है, जो कुछ भी आपके जीवन में दिक्कत है, शैतानी हरकत है, वो सारे दिक्कतों से हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा यीशु प्रभु जी, हम सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं खुदावर प्रभु जी, सुंदर समय में जो कि आपने प्रभु हम सभी लोगों को दिया खुदावर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ राजाओं के राजा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हालेलुया 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 हालेलुया, अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं खुदावर प्रभु जी, सुंदर समय में जो कि आपने प्रभु जी हम लोगों को दिया खुदावर प्रभु जी, इस सुंदर समय को प्रभु जी हालेलुया हम आपको हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी प्रार्थना करते होंगे प्रभु जी हालेलुया, उनके हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, नाम बाय नाम
नाम प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी समर्पित करके प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, उन लोगों के जीवन में प्रभु जी जो भी कष्ट बीमारी रोग से तनहर्ग जितना भी समस्या होगा पिता यीशु नासरी के नाम से दूर हटने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, उन लोगों के परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया मेरे इससे वीडियो के माध्यम से देख करके प्रभु जी प्रार्थना करके प्रभु जी हालेलुया बहुत सारे लोग कमेंट किए प्रभु हालेलुया, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के लिए, बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी विशेष करके रिक्वेस्ट किए पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए पिता, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया कमेंट किए प्रभु जी हालेलुया, और जितने भी लोग प्रभु जी अपने प्रार्थना विषय दिया पिता, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप हर एक लोगों के दिलों को जांचने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हर एक लोगों के बातों को मानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हर एक लोगों के गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले परमेश्वर यहोवा आप है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपके पवित्र वचन कहता है तेरे मांगने से पहले स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हाँ पिता, हम प्रार्थना करता हूँ राजा, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया अपने प्रार्थना विषय को दिए खुदा प्रभु जी हालेलुया कमेंट के द्वारा प्रभु, उन सारे लोगों के प्रार्थना विषयों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी उनके हर एक प्रार्थना विषय को सुन और उत्तर दे खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी उनके हर एक इच्छा को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी अपने जब के लिए प्रभु हालेलुया प्रार्थना विषय दिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके मन चाहे जब मन चाहे नौकरी प्रभु जी हालेलुया होने पाए खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया, प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाला का काम व्यर्थ होगा, यदि नगर को यहोवा रक्षा न करे तो रखवाले के झगड़ा व्यर्थ होगा। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु जी हालेलुया यदि वे लोग काम तो करते हैं प्रभु जी हालेलुया, अगर आप ना चाहे प्रभु जी तो वे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी उनके हर एक जीवन के लोगों के अंदर प्रभु जी अपने बदलावट प्रभु जी अपनी योजना प्रभु जी और अपने प्रभु जी हालेलुया उनके मनों के इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु जी, जब या नौकरी प्रभु जी जो कुछ भी उनके दिलों में है प्रभु जी सब के सब प्रभु जी उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी एक एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी कमेंट के जरिए प्रभु हालेलुया अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करवाए प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना विषय दी पिता, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के जीवन में प्रभु तू आशीष दे प्रभु जी, यदि उनके दोस्त लोग प्रभु जो भी दिक्कत में पड़े होंगे प्रभु जी, जो भी मुश्किल में पड़े होंगे प्रभु जी, जो भी परेशानी में पड़े होंगे प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी सारे दिक्कत से सारे परेशानी से सारे प्रॉब्लम से प्रभु जी बचा करके रख खुदावन प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी हर एक श्राप से संकट से शैतान से वंदन से पापों से आजाद करते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए दिए खुदावन प्रभु जी, उन सारे लोगों के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, उन लोगों के परिवारों को नाम बाय नाम वन बाय वन प्रभु जी एक एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवारों में प्रभु तू आशीष दे प्रभु जी, उनके हर एक चीजों में तू आशीष दे प्रभु जी, उनके जो कुछ भी पास है प्रभु जी, उनकी जो कुछ भी अदर नौकरी करते होंगे जॉब करते होंगे बिजनेस करते होंगे प्रभु जी काम करते होंगे प्रभु जी, उन सारे चीजों में तू आशीष देना प्रभु जी दीजिए प्रभु जी, और उन लोगों को सभी लोगों को प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चले प्रभु जी हालेलुया, ताकि प्रभु जी आपके आने वाले दिनों तक प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा को करते रहे खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी हालेलुया, इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी मेरी आवाजों के द्वारा प्रार्थना करते होंगे प्रभु जी, उस सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके रखते पिता, उस तरह से प्रभु आप इन लोगों को प्रभु जी श्राप से संकट से शैतान से वंदन से पापों से प्रभु जी आजाद
याद करते हो प्रभु जी, और छुपा करके प्रभु जी रखिए खुदा प्रभु जी, किसी प्रकार के दिक्कत परेशानी प्रभु जिनके जीवन में ना होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी इन लोगों को प्रभु अभी तक संभाल करके लाए पिता, उसी तरह से प्रभु जी आगे की और भी संभालते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, जिस तरह से आपने प्रभु जी हालेलुया वो दोनों अंधे व्यक्ति के प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उनके उन दोनों के गिड़गिड़ाहट को सुने प्रभु जी। हालेलुया, उन दोनों के पुकारों को सुने प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी उन्हें डांटे होंगे, बहुत सारे लोग प्रभु जी उनको कहे होंगे क्यों तकलीफ कर रहे हैं गुरु को, लेकिन आपने प्रभु जी उनके विश्वास को देख करके, उनके बातों को देख करके प्रभु जी हालेलुया उनको पराख करके प्रभु हालेलुया उनको चंगा किया पिता, उनके आंखों को खोल दिए पिता। उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी, जितने भी लोग एक बार फिर से प्रभु जी, जितने भी लोग कमेंट के जरिए प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय दिए पिता, उन सारे लोगों के भी जीवन में प्रभु जी तो आशीष दे प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों के द्वारा प्रभु जी उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु जी लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आपके पवित्र वचन में कहता है यिर्मयाह की किताब 33:3 में वहां पर साफ तौर पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें वो सारे बड़ी से बड़ी बातें, वो सारे अज्ञात बताऊंगा जो कि तू नहीं जानता। हाँ पिता, इन सारे इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप इन लोगों के जीवन प्रभु जी, इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी आप आशीषित करते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके पवित्र वचन कहता है धर्मी जन खजूर के समान फले फूलेंगे, लबालोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। हाँ पिता, इस वचन के द्वारा भी प्रभु इन लोगों को आगे की ओर बढ़ाइए खुदावन प्रभु जी, ताकि लोग प्रभु जी बहुत सारे फल लाने पाए, बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए खुदावन प्रभु जी, हरेक तरह से प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता आप है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु हर एक लोगों के प्रार्थना को सुनने वाला पिता आप है प्रभु जी। आज के सुंदर समय में प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, आप हम लोगों के प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, और इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु आप आशीषित करते हुए लेकर के चले प्रभु जी। जिस तरह से आपने प्रभु जी हालेलुया पिछले सप्ताह से पिछले दिनों में प्रभु जी पिछले रात को संभाल करके रखे पिता, उस तरह से प्रभु आगे भी संभालते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी। ये जहां कहीं भी जाते होंगे प्रभु जी, पढ़ाई करने के लिए प्रभु जी हालेलुया, नौकरी करने के लिए प्रभु जी हालेलुया, या किसी काम के लिए जाते होंगे प्रभु जी, उन सारे चीजों में प्रभु जी अपने स्वर्गदूत को भेज करके लोगों के अंदर प्रभु जी इन लोगों को आप सहायता मदद करते हुए लेकर के चलना खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जहां कहीं भी प्रभु जी आपके नाम से जाए प्रभु जी, वो सारे काम है प्रभु जी, जिस काम में प्रभु जी अपने हाथों को बटाए प्रभु जी, अपने हाथों को लगाए प्रभु जी, उस सारे कामों को प्रभु जी आप सफल करते हुए लेकर के चलिए खुदावन। खुदा आशीष दीजिए प्रभु जी, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए आपको धन्यवाद, आपको धर्ममय देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ध्यास ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कुछ प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट के जरिए हम लोगों के तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम सभी लोग हमारे टीम मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते हुए चल लेने पाए। इसलिए हमारे प्रार्थना को सुने इसलिए आपको धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की, प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें।